मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं अल्लाह सुबहाना व तआला का कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने अपने करम और फजल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक इस अजीमुशान कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रगुजार हूं कि आज जो तमाम कौम और मिल्लत की अहम तंजीमों के जिम्मेदारान जो अपना कीमती वक्त निकाल कर दारुसलाम को आए, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद की, मैं इनका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं हाफिज पीर शब्बीर साहब का भी, जनाब सफी मदनी साहब का भी और तमाम जिम्मेदारान का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद का ऐलान किया। मैं अहलियाने हैदराबाद का, तेलंगाना की अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद में ना सिर्फ दुआएं की बल्कि अपने वोट का भी इस्तेमाल किया। मैं आज के इस जलसे से मेरे मजलिस रुफका का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इन आर्ट असेंबली हल्के जात से हटकर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस पॉलिसी को और उसके ऐलान पर अमल किया और टीआरएस की तायीद की। मैं अपने मजलिस के जिले के सदर मुतमदीन का, अराकीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनतें की, जस्तजू की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना व तआला ने हमको हमारे मकसद में कामयाबी अता की। आज के इस जलसे में मौजूद तमाम डाइस पर जो जिम्मेदारान बैठे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह सुबहाना व तआला हम तमाम को अल्लाह मुत्तहिद रखे। असेंबली की सीटों पर तो कामयाबी हासिल हो गई, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे बड़ी कामयाबी हमने क्या हासिल की? हमने सबसे बड़ी जो कामयाबी हासिल की वो यह है कि हमने मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत किया। यह हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि कोई तबलीगी जमात से भी वाबस्ता है तो मुझे ले जाकर उनके अमीर साहब से मुलाकात करवाता है, वो भी दुआ कर रहे हैं। जामे निजामिया के उलमाए कराम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। जमात इस्लामी की तरफ से ऐलान आया, उनके जिम्मेदारान, उनके अराकीन, उनके मुहिबान जमीन पर अपनी पार्टी के ऐलान पर काम कर रहे हैं। मुफ्ती गयास साहब ने ऐलान किया, उनके जिम्मेदारों ने अपना ताउन पेश किया। रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने अपनी तंजीम से ऐलान किया तो तमाम जिम्मेदारों ने अपना ताउन पेश किया। मजलिस उलमाए दखन ने ऐलान किया, उनके चाहने वालों ने उस पर अमल किया। शिया उलमा ने, जाकिरीन ने ऐलान किया, तमाम ने मिलकर मजलिस का काम किया। फिरके महदविया के मुर्शदीन ने, जिम्मेदारों ने अपनी ताईद का ऐलान किया, मजलिस के लिए काम किया। मेरे भाई, ये हमारा इत्तेहाद है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर मैं कल 10 सीट पर भी कामयाबी हासिल कर लूंगा और अगर मुझे इत्तेहाद, ये ताईद नहीं मिलेगी तो वो मेरी कामयाबी नहीं होगी। इसीलिए यही मकसद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि सबको साथ लेकर चलना,
ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि इस असेंबली के इलेक्शन में तमाम बड़े बड़े सियासी कायदीन हैदराबाद को आए, तेलंगाना को आए। क्यों आए? क्योंकि तेलंगाना और हैदराबाद का जो हमारा मिसाली इत्तेहाद है, इससे इनको बड़ी तकलीफ होती है। इनको समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे यहां पर मुसलमानों में इत्तेहाद जो मजबूत है उसको कमजोर किया जाए, कैसे इत्तेहाद को निफाक में, इंतशार में तब्दील किया जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं सलाम करता हूं इन तमाम बुजुर्गों को, इन तमाम तंजीम के जिम्मेदारों को जो आज यहां पर मौजूद हैं, जो नहीं भी हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की कामयाबी में आप तमाम का ताउन रहा, मगर ये एक जलसे में जहां पर हजारों की तादाद में मर्द हजरात मौजूद हैं, मैं इस मौके पर हमारी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अगर वो निकल कर वोट नहीं डालती तो शायद हमको ये कामयाबी नहीं मिलती। बड़ी बहादुरी का काम है, बड़े जिगर और दिल गुर्दे का काम है जब पोलिंग के दिन हमारी माँ और बहनें बहादुरी के साथ बेबाक तरीके से निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करती है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारी उन अजीम माँ और बहनों को सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हज़्ब रिवायत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह सुबहाना व तआला हमारी इन माँ और बहनों के जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर जितने जिम्मेदारान कौम और मिल्लत बैठे हुए हैं उन सब ने ऐलान किया कि मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करो और तेलंगाना में टीआरएस को कामयाब करो। मेरे भाई, अल्लाह ने हमको इन दोनों मकसद में कामयाबी दे दी। मुखालिफीन ना सिर्फ मजलिस की मुखालिफत किए बल्कि इन तमाम जिम्मेदारों की मुखालिफत किए कि आप मजलिस की क्यों ताईद कर रहे, आप टीआरएस की क्यों ताईद कर रहे। इल्जामात लगाए गए बेबुनियाद, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसला लिया गया अल्लाह ने उसको कामयाब किया, उसमें बरकत दी, क्योंकि वो पूरे फैसले इखलास की बुनियाद पर लिए गए थे। वो फैसले असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में नहीं लिए गए थे, वो फैसले के चंद्रशेखर राव की मोहब्बत में नहीं लिए गए थे, वो फैसले इज्तिमाईयत को मलूज रखकर लिए गए थे, वो फैसले कौम के बालातर मफाद में लिए गए थे, वो फैसले फासिस्ट और कम्युनल ताकतों को शिकस्त देने के लिए लिए गए थे। उन फैसलों में इखलास था तो अल्लाह ने गैब से उनको कामयाबी दिलाई। दिलों को मोड़ने वाला तो अल्लाह सुबहाना व तआला है, कामयाबी देने वाला तो अल्लाह सुबहाना व तआला है। और अल्लाह सुबहाना व तआला ने अहले दिल की दुआओं को कबूल कर लिया। अल्लाह सुबहाना व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी से हमकिनार किया। अल्लाह ने अहले बैत के सदक़े में मजलिस को कामयाबी से हमकिनार किया। ये कामयाबी आपको मुबारक हो, ये कामयाबी आप तमाम की है, ये कामयाबी आपके इत्तेहाद की वजह से हुई, ये कामयाबी आपके सियासी शऊर की वजह से हुई। ये कामयाबी का सेहरा आपके सर पे जाता है, हमारे सर पे नहीं आता। ये आपकी कामयाबी है, ये मजलिस आपकी है, मेरी नहीं है। इस मजलिस की हिफाजत करना आपका मकसद है। हम चले जाएंगे इस दुनिया से, नहीं मालूम ये जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए, मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी इस इत्तेहाद को जिंदा रखो, वही हमारी कामयाबी का जामिन बनेगा। हम मुख्तलिफ मसलक के हो सकते हैं और रहना भी चाहिए, मसलक में इख्तलाफ भी हो सकता है, मगर हमेशा अगर इख्तलाफ इखलास की बुनियाद पर होगा तो उसमें कामयाबी मिलेगी।
यही मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की कोशिश रही है कि आज हमको हमारे एमएलए की कामयाबी मिली, राजेंद्र नगर से हमको कामयाबी नहीं मिली। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे राजेंद्र नगर के राजदहिंदगान का, सुदूर उम्मत मदीन का, रहमत को कामयाबी नहीं मिली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जरूर एक दिन रहमत को कामयाब करेगा। आज नहीं मिली राजेंद्र नगर से, हो सकता कि मेरी जिंदगी में नहीं मिलेगी, मगर याद रखना एक दिन इंशाअल्लाह ताला राजेंद्र नगर के असेंबली सीट पर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हिंदुस्तान के वजीर आजम हैदराबाद को आए, अमित शाह कई मरतबा आए, जनाब श्री श्री राहुल गांधी 3-4 मरतबा आए। जो जनियोधारू हिंदू हैं और उनका गोत्रा जाता है कश्मीर तक, वो आए माशाल्लाह से 2 मरतबा हैदराबाद के पार्लियामेंट के हल्के में उनको तकरीर करने का एजाज हासिल हुआ। मिस्टर राहुल गांधी गॉट दिस ग्रेट ऑनर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द प्राइड पीपल ऑफ हैदराबाद, द प्राउड पीपल ऑफ हैदराबाद। फिर कांग्रेस से आजाद साहब आए, उन्होंने भी माशाल्लाह अपनी जबान की खूबसूरती दिखाई। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी आ गए, वो भी अपनी जहनीयत की अकासी को आवाम के सामने रखा। इन सब का एक ही मकसद था कि तेलंगाना में, हैदराबाद में, सरजमीन दखन में जो मुसलमानों का इत्तेहाद है उसको पारा पारा करो, कमजोर करके रख दो, खत्म कर दो, इनको खानों में बांट दो, शिया सुन्नी में बांट दो, मैदवी सुन्नी में झगड़े कराओ, तबलीगी सुन्नी में कराओ, सलफी सुन्नी में कराओ, इख्तलाफ है मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर ये निफाक की कैफियत हम यहां पर पैदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बात का अजम आपको लेना है कि हम मुत्तहिद रहेंगे, हमारे इख्तलाफ में रहमत है उसको हम जहमत नहीं बनने देंगे। वजीर आजम आकर तकरीर किए, नतीजा 0 निकला। मतलब वजीर आजम तो इनडायरेक्टली मजलिस पर तनकीद किए, कुछ नहीं निकला। निजामाबाद को वजीर आजम गए, वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि मैंने हेलीकॉप्टर के कैप्टन से कहा जरा गोल फिराओ, मैं निजामाबाद में डेवलपमेंट नहीं दिखा। तो निजामाबाद की आवाम ने कहा कि भाई ऊंचाई से कोई डेवलपमेंट दिखता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान के वजीर आजम तो अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं कि हर एक को छोटा समझते। वजीर आजम हिंदुस्तान आओ जमीन पर, अब जमीन पर आओ, तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो, जमीन पर आओ, जमीन पर आकर गरीब हिंदुस्तानियों की गुर्बत को देखो, उनके मसाइल को देखो। हेलीकॉप्टर से कोई गुर्बत नजर नहीं आती आपको, इसीलिए आपने कहा था कि निजामाबाद में कुछ नहीं नजर आया। हिंदुस्तान के वजीर आजम आज आपके दौरे अख्तदार में इंसानियत परेशान है। अमित शाह ने कहा था कि मजलिस मुक्त कर दूंगा तेलंगाना से, अल्लाह ने कहा कि बीजेपी को से मुक्त कर दूंगा तेलंगाना को, और एक जीता ठीक है, अब बताओ, बताएंगे आओ। फिर जनाब जनियोधारू हिंदू राहुल गांधी ने कहा कि मजलिस को इलेक्शन लड़ती, मजलिस सी टीम है, केसीआर बी टीम है। जनाब राहुल गांधी आप तो आला जात के हिंदू हैं, आप जुनियोधारू हैं,
आपका गोत्रा दत्तात्रेय कौल कश्मीर तक जाता है। हमारी इतनी किस्मत नहीं है, हमारा गोत्रा सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम तक जाता। उन्होंने कहा कि हम सी टीम, केसीआर, बी टीम। मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि मैं मजलूमों की टीम का एक प्लेयर था, हूं और रहूंगा। मैं दलितों की टीम का एक प्लेयर हूं और था और रहूंगा। और जिस किसी हिंदुस्तानी से नाइंसाफी होगी उसको दबाया जाएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को नहीं दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी उस टीम का प्लेयर है। आप कौन सी टीम के प्लेयर है बताओ हमको? खेलना भी आता नहीं आता आपको? आज तेलंगाना में बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर हार गए। जाना रेड्डी आउट, कोमट रेड्डी आउट, लक्ष्मण आउट, किशन रेड्डी आउट, डीके अरुणा आउट, हाँ उन्हें पहले आउट थे, उन्हें सब आउट। अब राहुल गांधी आप बताइए, जब सब आउट हो गए, आपकी पार्टी की ना सिर्फ विकेट्स चले गई बल्कि हर चीज चले गई। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्क हयात होटल में 40 कमरे बुक कर लिए थे और यह भी ऐलान कर दिया था कि मैं 12 तारीख के दिन राजभवन में जाके चीफ मिनिस्टर का ओथ भी ले लूंगा। और फिर यही कांग्रेस पार्टी के लोग जो हमको सी टीम बोले, जिस दिन पोलिंग खत्म हुई रात से इनकी हरारत में कई परेशानी में इजाफा हो गया। मैं जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब को ही बताया था, रात से शुरू हो गए। ये कैसा असदुद्दीन ओवैसी से क्या ऐसा करना, क्या करना, क्या बात करना? मैं बोला भाई साहब, आपने तमाम दरवाजों को जलाकर हमसे मुकाबला किया। जब आप मुकाबले के लिए मैदान में उतर गए हमसे, तो फिर हम भी अपना घर जलाकर मुकाबला करते। हमारे सामने जब हम समंदर में कूद गए, हमारे आबो अजदाद की तारीख है, हमने कश्तियों को जलाकर अपनी जिंदगियों के नजराने दुश्मनों के सामने पेश किए और यह कहा कि या तो हम जमीन पर रहेंगे या फिर समंदर की लहरें हमको खा लेंगी। ये हमारी तारीख है। बड़ी परेशानी शुरू हो गई, पोलिंग खत्म हुई, दिल्ली से बड़े बड़े लोग। मैंने पहले भी कहा था आपसे, आज भी कह रहा हूं, मंजलिस ने कहा था कि केसीआर सीएम बनेगा और मंजलिस के आटे में ले कामयाब होंगे। अल्लाह की क्या मर्जी थी कि अल्लाह ने मंजलिस को राजनगर से कामयाबी नहीं दी? हो सकता है कि उसमें हमारे लिए बेहतरी होगी। एक दिन पहले मैं जाकर के चंद्रशेखर राव साहब से मिला, मुलाकात करके वापिस आया तो फिर हजरत मीडिया ने पूछा कि बताओ बताओ कि क्या है। मैंने कहा कल सीएम बन रहे वो। बोले कैसे मालूम? मिला मालूम हमारे को। बोले कैसे मालूम? मिला हमारे पास भी थोड़ा थोड़ा इल्म है। राहुल गांधी के ऐसा, मोदी के जैसा इल्म नहीं है जो नतीजा सिफर निकालते, हमारे पास इल्म है। मैंने चीफ मिनिस्टर से भी कहा कि सर इंशाअल्लाह ताला बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। और मैं इन तमाम जिम्मेदारों के सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि के चंद्रशेखर राव साहब ने बनाम नाम लेकर कहा कि आप तमाम की ताईद मुझे हासिल थी, इसलिए मुझे कामयाबी मिली। सिर्फ मंजलिस का नहीं है, सबका जिक्र किया।
के चंद्रशेखर राव बड़ा जहीन आदमी है, ये कांग्रेस वाले इनके ताल्लुक से गलत बयानी करते, किरदार कशी करना ये कांग्रेस की आदत है। अरे उन्हें क्या है केसीआर भाई साहब, आपको दो मर्तबा उन्हें पानी में डुबा दिया, एक 14 में, एक 18 में, अब तैयार हो जाइए 19 में भी डुबाएंगे आपको इंशाल्लाह। अल्लाह ने हमारी लाज रख ली और हमको पूरा यकीन था कि नतीजा आएगा। मुझसे कई लोग पूछते थे, अरे आप कैसा बोल रहे, 80 आएंगे, कहां से आएंगे? बोला आएंगे, अल्लाह कामयाब करेगा और अल्लाह ने कामयाबी दी। मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूं, इतने तमाम कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों ने हमसे अपील की, मगर थोड़ा सोचो आप कि हमारा पोलिंग परसेंटेज क्या हो रहा है। क्या नामपल्ली में 45%, मलकपेट में अहमद बलाला के तमाम मजलिसी रुफका और मलकपेट के जिम्मेदारों ने मेरे ख्याल से 40 दिन, मेरे 2 घंटे भी वो लोग चैन से नहीं सोए होंगे। 45% दारुसलाम है हमारा, ये साल के 12 महीने हम बैठते हैं आपकी खिदमत के लिए, अच्छा बुरा हुआ तो हम दौड़ के आते हैं, अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर कैसा बोलिए आप? क्या आप समझ रहे कि हम मुतमईन है इस कामयाबी से? नहीं है मुतमईन, इसलिए मुतमईन नहीं है क्योंकि हमारा पोलिंग परसेंटेज क्यों गिर रहा है? आपको निकलकर अपने वोट को डालना पड़ेगा। जितने लोग यहां पर आए, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, चाहे वो तेलंगाना में हो, हैदराबाद में हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में हो, वोट डालिए, वोट डालिए। छुट्टी मिली तो नहीं आराम करेंगे? जुम्मे मिला तो बोले नहीं जुम्मे के बाद डालेंगे? अब रमजान में आएगा पार्लियामेंट इलेक्शन तो क्या बोलेंगे, रोजा खोल के डालेंगे? नहीं, हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, हकीकत है ये। हो सकता है कि रमजान में आ जाए पार्लियामेंट इलेक्शन और आएगा, क्योंकि 2 मई से रमजान है और पार्लियामेंट इलेक्शन उसी महीने में आएगा, क्या करेंगे हम? जब मेरे भाई याद रखो, अगर रमजान में भी इलेक्शन आएगा ना, तो जंगे बदर को याद करो, 313 ने कैसी अजीम कुर्बानी दी। अगर कोई बोलेगा अरे नहीं भाई, रोजे की हालत में कैसे जाऊंगा मैं, सहरी करके अब भी सोया मैं? मेरे भाई, अब सो नहीं सकते हिंदुस्तान में आप, ये तमाम फाशिस्ट ताकतें, फिरका परस्त ताकतें हमको जगा रही हैं, जगा रही हैं बोल बोल कर। उठो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। यकीनन राहुल गांधी के आने से बहुत फायदा हुआ, मैं उनको दावत दूंगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में फिर आना बाबा, फिर आना, फिर आना। शहर हैदराबाद को टूरिस्ट ही बन के आते, टूरिस्ट ही बन के आना। मोदी आए, योगी आए, तो मैं फरत नगर में आखिरी दिन फरत नगर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहा था, अहमद बलाला बोले कि भाई आज आखिरी दिन आ जाओ, गया मैं। और मैंने जो कैफियत देखी कि हर फरत नगर के तकरीबन 3-4 घर में, बल्कि कई दौरों में मैंने इसको, इस चीज को सुना कि हमारी माँ और बहनें जो पर्दे के पीछे से कहती थी एक बात, जो इलेक्शन से 4 दिन पहले से मैं सुन रहा था और मुझे समझ में आ गया कि अब तो गया मामला इनका। ख्वातीन ये कहती थी हमारी माँ और बहनें कि क्यों आए तुम, बड़े पावरफुल अंदाज में क्यों आए यहां पर? तो हमारे लोग समझते कि कोई शिकायत कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ठहरो सुनो, ख्वातीन को सुनना है। हमारी गलती यह है कि हम अपनी ख्वातीन को सुनते नहीं हैं और उनको खामोश बिठाए थे। मैंने कहा कहिए अम्मा, कहिए मेरी बहन, तो आवाज आती थी कि हमारे शहर को आकर ये मोदी, ये योगी, ये राहुल हमारे घर पे आके दस्तक देते, तुम जाओ यहां से, तुमको आने की जरूरत नहीं है, 7 तारीख के दिन उनको बताएंगे हैदराबाद किसका है।
अल्लाह हमारी उन माँ और बहनों के जज्बे को सलामत रखे। और जब मैंने इन अल्फाज को सुनना शुरू किया तो मैं समझ गया कि ये फरत नगर या नामपल्ली या कारवान के घरों में रहने वाली हमारी इज्जतदार माँ और बहनों की सोच नहीं है, बल्कि ये सिरपुर कागज नगर के अगर किसी गांव में एक मुसलमान का भी घर होगा, अगर आदिलाबाद का वो बॉर्डर जो महाराष्ट्र को लगता है अगर हमारा घर होगा, तो ये उन तमाम माँ और बहनों की सोच बन चुकी है कि हमारी मताए अजीज हमारे इत्तेहाद का मरकज है, ये हम मुसलमानों की एक सियासी आवाज है जिसको खत्म करने के लिए उकार रहे हैं। ये जज्बा पैदा कर दिए लोग। मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूं मिस्टर मोदी को, योगी को, राहुल को, फिर आओ दोबारा। मगर मेरे भाई परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ाइए। योगी आदित्यनाथ ने आकर कहा कि मैं ओएसी को भगा दूंगा, नाम चेंज कर दूंगा, तो हमारे एक दोस्त है अहमद, मेरे को व्हाट्सएप पे भी एक भिजाए कि योगी नेम चेंजर, माने योगी नाम बदलने वाला, और ओएसी गेम चेंजर। वेरी गुड। वही तो कह रहा हूं ना कि हम गेम खेलते, आप नेम पे चले गए। हम गेम ऐसा खेले तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों ने कि केसीआर को कामयाबी मिली। हमने क्यों केसीआर की तायीद की, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं, दूसरे जिम्मेदारान आपको बताएंगे। हमने केसीआर की तायीद क्यों की, इसलिए कि तेलंगाना में एक भी फसाद नहीं हुआ। आलेर का एनकाउंटर हुआ, काबिल मजम्मत है, फसाद नहीं हुआ। तेलंगाना में मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, तेलंगाना में खौफ का माहौल नहीं है जैसा हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों में है। तेलंगाना में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला तालीम का। इन तमाम जिम्मेदारों ने मिलकर केसीआर पर जोर डाला, आज 50,000 हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, 1,20,000 उस पर खर्चा आ रहा है। और आप देखेंगे ये जून 2019 तक और 25,000 का इजाफा होगा। शादी मुबारक की स्कीम अपनी जगह पर है, उसमें होगा बढ़ेगा, और हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे यूनिवर्सिटीज में, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 9-9 लाख उनकी फीस सब्सिडी के तौर पर मिल रही है ये चीज की वजह से। और इससे हटकर मजलिस क्या चाहती है, मजलिस ये चाहती है कि रीजनल पार्टीज रहें, मजलिस ये चाहती है कि ये सियासत जो हिंदुस्तान की जो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में एक पिंग पोंग का खेल हो गया, ये पिंग पोंग का खेल नहीं चल सकता मेरे भाई। ये ना हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, ना मुल्क के सेकुलरिज्म के लिए अच्छा है, ना मुल्क के फेडरलिज्म के लिए अच्छा है, ना मुल्क के इस पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के लिए अच्छा है, ना मुल्क के दलितों के लिए अच्छा है, ना मुल्क के मुसलमानों के लिए अच्छा है, ना मुल्क के हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के लिए अच्छा है। रीजनल पार्टीज होना जरूरी है, और जब रीजनल पार्टीज होंगी तो दो के दरमियान जब तीसरा आएगा तो हमारे मुफादात का तहफ्फुज़ होगा, हमारे वोट की अहमियत बढ़ेगी, हमारे वोट की अहमियत बढ़ेगी, हर गरीब और मजलूम का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। यह मजलिस की सोच है। और कांग्रेस इसीलिए इल्जाम लगा रही थी सी टीम और बी टीम, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जहां रीजनल पार्टी आई वहां पर उनका मामला खत्म। मध्य प्रदेश, राजस्थान जीते, इतना बाजा बजा रहे, क्या जीती आप? 15 साल से बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी की मध्य प्रदेश में, आप तो उनको 20 सीट पर लाना था, वहां 100 सीट बीजेपी आई। यानी बीजेपी कल पार्लियामेंट के इलेक्शन में ताकतवर मुकाबला करेगी मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मैंने कल टीवी पर कहा कि शानदार कामयाबी नहीं है मध्य प्रदेश राजस्थान की, वो तो बाय डिफॉल्ट है। कामयाबी यहां की है तेलंगाना की, कि एक हुकूमत जो दोबारा अपना एतमाद लेने आवाम के पास जाती है,
आठ महीने पहले असेंबली को डिसॉल्व करता है केसीआर और आवाम उसको टू थर्ड मेजॉरिटी देती है, यह कामयाबी है। मेरे भाई याद रखो, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस क्यों केसीआर की इस बात का तायीद कर रही है कि के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की सियासत में, कौमी सियासत में अहम अदा करूंगा, मैं साथ खड़े रहूंगा केसीआर के, बराबर मैं साथ खड़े रहूंगा, मुझे कोई मंत्री संतरी की शौक नहीं है, ये जो आपके दिलों में मोहब्बत है ना, मैं उसको सलाम करता हूं। मेरे भाई ये जो मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिलों में डाली, यही हमारे लिए काफी है, हम चैन से अपनी खबरों में जाके सो जाएंगे, यही खुशी को लेकर के हां चलो, इतनी मोहब्बत अल्लाह ने दी जो बड़े बड़े वजीर आजम को, मिनिस्टरों को, गांधी परिवार के लोगों को नहीं दी। कौन देगा ये मोहब्बत, कहां से लाएंगी? एक मां बता रही है कि उसका एक 9 साल का बेटा टीवी पर देख रहा है कि मजलिस की लीड कितनी है, मलकपेट की, नामपल्ली की कितनी है, बच्चा देख रहा है 9 साल का और जाके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ रहा है कि मेरी मजलिस कामयाब होना, मेरी मजलिस कामयाब होना। 9 साल का बच्चा है मगर उसको इतना जुनून है मजलिस का कि उसकी मां कह रही है कि मेरा 9 साल का बच्चा टीवी को देखता था और दौड़ दौड़ के नमाज में जाकर 2-2 रकात नफिल पढ़ता था और आकर पूछता कि अम्मा लीड बड़ी नहीं बड़ी मजलिस की, लीड बड़ी नहीं बड़ी मजलिस की। और उस मासूम बच्चे की दुआ क्या थी, वो मां कहती है कि वो बच्चा जब जब 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के आता, नामपल्ली में लीड बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। मेरे भाई ये है जज्बा कि एक 9 साल के बच्चे को अल्लाह ने उसके दिल में मोहब्बत डाली और उसकी मां कहती है कि मेरा बच्चा सालार मिल्लत की तरह सियासी कायद बनना, मैं कहता हूं कि वो बच्चा सालार असदुद्दीन और अकबरुद्दीन से बड़ा सियासी कायद बने इंशाअल्लाह ताला। ये जज्बा है मेरे भाई, इस जज्बे को बरकरार रखना है। ये जज्बा कहीं नहीं है, ये जज्बे को देखकर इनको परेशानी होती कि क्या है ये आखिर, ये क्या बड़े का बड़े की खाने की वजह से जज्बा आ रहा या फिर क्या है, किस लिए पैदा हो रहा? मेरे भाई ये जो जज्बा है ना सरजमीन दखन पर, ये 100 साल की मेहनत है हमारे उलमाए कराम की। उन्होंने अजबियत को फरोग नहीं दिया हमारे उलमाए कराम ने। सरजमीन दखन की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि हमारे उलमाए कराम ने, चाहे किसी मसलक के होंगे, उन्होंने अजबियत को फरोग नहीं दिया। यकीनन उन्होंने अपने मसलक का काम किया और आज भी कर रहे, कल भी करेंगे, मगर इतना नहीं किया कि तुम डिवाइड हो जाओ। 9 साल के बच्चे में जज्बा है। मैं सलाम करता हूं ऐसे जज्बे रखने वालों को, मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों को जिन्होंने, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, मगर जो बेलौस बेनफ्स होकर दौड़ रहे थे 7 तारीख के दिन के पोलिंग कराना है, वोट डालना है, जो फिक्रमंद थे पोलिंग परसेंटेज को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने दुआएं की, हम तमाम ने मिलकर मेहनतें की। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि के चंद्रशेखर राव के साथ हम हैं और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि तेलंगाना में 17 पार्लियामेंट की सीटें हैं, अगर तेलंगाना की आवाम मुत्तहिद रहेगी जिस तरह असेंबली इलेक्शन में आपने दिखाया, तो इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना से हम एक सीट पर भी ना बीजेपी को ना कांग्रेस को कामयाब होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। 17 सीट पे हम कामयाबी दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 17 सीट्स 17-0, कांग्रेस आउट, मोदी आउट, ओनली MIM एंड KCR। 17 पार्लियामेंट की सीट्स और मिस्टर चंद्रुडू तुम्हार को भूल गया था मैं, चंद्रुडू I am coming टू आंध्र प्रदेश, I am coming, तैयार हो जाओ। तुम यहां आए थे ना हम के पहिंडिला मारे मलकपेट में,
एक फुट्टी ढोल को लेके मलकपेट में अपना बाजा बजा रहे थे। अरे वो तुम्हारी फुट्टी ढोल तुम्हारे से तो अच्छा, उससे तो अच्छा हमारे मिरासनिया गाना गा लेते। आके बड़ा मलकपेट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आसिफ नगर में जलसा किए। मजलिस के जिम्मेदार ने मेरे को फोन किए, बोले साहब ये जलसा हो रहा है। मैं बोला बैठ के तमाशा देखो। बोले नहीं क्या बहुत पब्लिक आती क्या? अरे मतलब हर चीज में क्यों परेशान होते भाई, देखो तमाशा। 6 बज गए 7 बज गए 8 बज गए, मैं भी क्या किया, मैं जाफर बलाला को और माजिद को बोला। मैं बोला माजिद, बहुत मेहनत किया माजिद और अरफात भी, बोला माजिद रख मेरा पैदल दौरा रखो बेटा, जहां इनका जलसा था बाजू की गलियों में साबेर नगर में, बोला जरा चलेंगे अपन। 2 घंटे फिरा मैं गलियों में, पूरी इंटेलिजेंस दिल्ली की हैदराबाद की, क्या हो रहा है ये शेरवानी क्यों फिर रहा है यहां पे। मेला साबेर नगर का दौरा, हाँ माशाल्लाह उस दिन दौरा इतना अच्छा था कि हर छत पे हमारी माँ और बहने खड़ी हुई थी, बच्चे निकल रहे थे, बुजुर्ग निकल के अम्मा बहने सर पे हाथ रख रहे थे, दुआ कर रहे थे। मेला हाँ ये सही हो रहा, वेरी गुड। 2.5 घंटे का दौरा करके हम निकले, उसके बाद हम बोले अब देखेंगे तमाशा, गम्मत देखो। पब्लिक आ रही नहीं तो बसों में बिठा के दूर दूर से पकड़ के लाके बस में से उतरते खुद लोग बोल रहे ला भाई पैसे दे, तूने 100 रुपये दे रहा है इनको। एक आदमी बोला 100, फिर पाकिट कहां है कुत्ते के पेशाब की, तो वो भी दिए। वो कैसे मालूम हुआ? लोग देखे। आप बताइए, राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू, आजाद साहब पूरे बैठे हुए, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, पूरे नेशनल लीडर्स, और क्या बोल रहे राहुल गांधी आसिफ नगर में, आसाम क्यों गई मजलिस? आसाम गए, ठीक है अब जाता हूं मैं। मेरे भाई अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, सही कहा मुफ्ती गयास साहब ने, मैं मुत्तफिक हूं। मैं मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कह रहा हूं कि आपने हस्बे रिवायत अपनी गंदगी का इजहार किया, यकीनन आपने हमारे मरूमीन की बेइज्जती की, आपने हमारे घर पर हमले किए, आपने अहमद बलाला के ऊपर 1000 मरतबा झूठ कहा, मुमताज खान के बारे में कहा, पाशा कादरी की उम्र का मजाक उड़ाया, सब किया आपने और करो। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कितना गिर सकते इस जमीन के ऊपर जो अल्लाह की है। हम भी देखना चाह रहे कि अबू जहल का वारिस तो होगा इस दुनिया में, हम भी देखना चाह रहे कि यजीद का वारिस कौन है इस दुनिया में। करो और करो, मगर याद रखो तुम यजीद हो तो हम हुसैन का परचम लेके आगे बढ़ेंगे, तुम यजीद के फौज के हो तुम जैनुल आबिदीन के गुलाम हैं। को माफ कर रहा हूं, जाओ और करो मुखालिफत, फिर हमारे साथ हैं। तुम क्या कर सकते, सिर्फ झूठ। तुम सिर्फ 20 दिन पुकार लिए, उसके बाद क्या घर में बैठ गए? तुम्हारे महल्ले में तुमको कोई नहीं पूछने वाला, मगर डाइस मिल गया तो अकबरुद्दीन, असदुद्दीन, बलाला, मुमताज खान, पाशा कादरी। अरे जबानों को रोको बाबा, रोको, अभी वक्त है। ये दीवानों की सरजमीन है, ये गयूर मुसलमानों की सरजमीन है। कितने मर्तबा तुम ये निफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हो और नाकामी हो गई, कुछ नहीं करे, सिर्फ बोलते रहे। हद तो मैं सिर्फ आपसे ही गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप किसी को चंदा देते, किसी को पैसे देते तो क्यों देते कि भाई ये फलाही काम करेगा, ये गरीबों की मदद करेगा, ये पढ़ाएगा? क्या आप पैसा इसलिए देंगे कि कौम में निफाक पैदा हो? जो लोग ऐसे तंजीमों को, ऐसे फंड को पैसा दे रहे हैं, मत दीजिए उनको, मुस्तहक बहुत हैं भाई। ऐसे लोगों को क्यों दे रहे हैं जो आपकी जमात के खिलाफ पैसा इस्तेमाल हो रहा है?
लाखों रुपये दफ्तर से निकल रहे हैं, फर्जंद अर्जुमन जो नाखलक है अपनी गाड़ी में पैसे बांट रहे हैं, 20-20 लाख, 30-30 लाख। हद तो यह हो गई कि अहमद बलाला के खिलाफ जब पैसे खत्म हो गए तो कैंडिडेट को ले जाकर एक सूदखोर के पास उस कैंडिडेट के घर को रहन रखा दिए। वाह, ये आपकी काबिलियत कि अपने ही कैंडिडेट के घर को रहन रखा दिए, वेरी गुड। अब क्या बोल सकते हैं लोगों को। मैंने हर बार अकबर की बात में दर्द है, अकबर की बात में सच्चाई है, हर बार हमने कहा कि भाई छोड़ो, मगर आपका किरदार यही है ना। हम तो इन दोनों से बुजुर्गों से कहना चाह रहे कि आप बड़े बनिए हमारे, सरपरस्ती करिए हमारी। अगर हमारी 100 बात आपको पसंद नहीं है तो एक तो पसंद आएगी ना। इसीलिए तो इस आवाम ने हमको तायद की, इसीलिए तो 9 साल का बच्चा दुआ कर रहा है, इसीलिए तो माएं अपने पर्दों के पीछे से पुकार कर कह रही है कि हैदराबाद हमारा है, हम यहां पर किसी को आने नहीं देंगे। समझो, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, आप मुकाबला करना चाह रहे, तैयार है। मैं मोदी से मुकाबला करने तैयार हूं, मगर याद रखो मेरे भाई, सरकार की सुन्नत एक और भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज की सफ बनी हुई है तो अपनी उंगली मुबारक से कहा, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, निकल मुनाफिक, निकल मुनाफिक। मगर ये आपका काम नहीं है, कल से शुरू कर देंगे, निकल निकल नहीं, ये उलेमाओं का काम है। दीन के मसले में वो जानते हैं, हमारा काम नहीं है। मजलिस की मुखालिफ अगर इखलास की बुनियाद पर हो रही तो मुनाफिकत नहीं है, मगर अगर इखलास की बुनियाद पर नहीं है, सिर्फ हसद की बुनियाद पर है तो यकीनन वो गलती है। ये जमात है, ये कौम की, मजलूमों की जमात है। हमको इल्जाम लगाए हम हिंदुओं के खिलाफ, कौन से हिंदू के खिलाफ है? मैं हमारे हिंदू भाइयों को सलाम करता हूं, मैं हमारे दलित भाइयों को सलाम करता हूं कि आपने हमको वोट दिया, हमारे पास रिकॉर्ड है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने केसीआर की तायीद की तो कई ऐसे हमारे गैर मुस्लिम भाई थे जो नामपल्ली के मलकपेट से, जो मेरे से आके खामोशी से मेरे घर पर मिलकर बोले कि आपने केसीआर की तायीद की, ओएसी साहब अब हम नामपल्ली मलकपेट में आपकी तायीद करेंगे। मैंने कहा क्यों, तो बोले नहीं, पहली मर्तबा खुलकर मजलिस और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने पहली मर्तबा, कभी ऐसा पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं हुआ कि खुलकर आप लोग किसी एक शख्स की तायीद कर रहे हैं। हमने तायीद की और हमारा मकसद भी यही है कि दिल्ली में इंशाअल्लाह ताला एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बने। दुआ करो मेरे भाई कि एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बने। कब तक ये पिंग पांग का गेम खेल खेलते रहेंगे, कभी इनू कभी उनू, कभी ये जन्मधारे तो कभी ये हिंदू नेशनलिस्ट, नहीं हो सकता। ये तीसरा आदमी आएगा, इनका दिमाग ठिकाने लगाएगा। और केसीआर मैं बता रहा हूं, उसमें इतनी काबिलियत है, सियासी काबिलियत है, सोच है, सेकुलर है और हिम्मत है, सब चीज है जो नायडू और राहुल और मोदी में नहीं है। इसीलिए हमको कोशिश करना है कि 17 पार्लियामेंट की सीटें कल फिर आएंगे पार्लियामेंट में, नहीं इन्हू जीते तो बीजेपी को जाएंगे, बोलेंगे आप देखना, नहीं इन्हू जीते तो बीजेपी को जाएंगे। अरे भाई क्या ठेका लेके रखे हम, आप लो ना 100 क्रॉस करो, आप 100 क्रॉस करने की काबिलियत नहीं है आप में। इसीलिए रीजनल पार्टीज जब जमा होंगी वो हिंदुस्तान की सियासत में एक तहलका मच जाएगा और आप देखेंगे कि 2019 जब आएगा हिंदुस्तान के गरीब मजलूम अवाम के लिए, चाहे कुछ ही मजहब का हो, जो आज तरस रही है, बेचैन है, बेकरार है, हिंदुस्तान का किसान परेशान है, हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स परेशान हैं,
हिंदुस्तान के मईशियत के एक्सपर्ट परेशान है कि आरबीआई की धज्जियां उड़ रही है। कौन कर रहा है फिर ये? मोदी कर रहे हैं और राहुल खामोश है। इसीलिए एक मुतबादिल की जरूरत है और मुतबादिल केसीआर के रूप में और तमाम रीजनल पार्टीज के रूप में आएगा। मेरे भाई आपसे गुजारिश है कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरी आवाज को, मेरी इस जमात के पैगाम को पहुंचाइए कि तेलंगाना की 17 पार्लियामेंट की सीट पर स्कोर 17-0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 17-0, राहुल आउट, मोदी आउट, ओनली MIM और दूसरा KCR। इसलिए आपसे गुजारिश करना था, मैं कर चुका हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अहम बात जो मेरे दिमाग में बैठी, अभी खत्म नहीं हुआ, 10 बजे की पाबंदी नहीं है, जल्दी में है क्या? सुनो जरा, भड़काऊ भाषण बहुत दिन के बाद हो रहा। मेरे भाई, मेघालय हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, यहां कोई नहीं आएगा ऊपर। मेघालय हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, मैं जस्टिस सेन साहब से कहना चाहूंगा, जस्टिस साहब आपका जजमेंट गलत है। आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हल्फ लेकर इस तरह का जजमेंट नहीं दे सकते। हिंदुस्तान कभी इस्लामिक कंट्री नहीं बनेगा। हिंदुस्तान एक प्लूरल सेकुलर कंट्री है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे जजमेंट देकर आप बताने, क्या जजमेंट है ये मेघालय हाईकोर्ट का? क्या अदलिया इसका नोटिस लेगा? क्या हुकूमत इसका नोटिस लेगी कि किस तरह से नफरत पैदा की जा रही है हिंदुस्तान के ताल्लुक से? एक जज रहते हुए इस तरह का जजमेंट, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जजमेंट को नहीं मानती, ये गलत जजमेंट है। जस्टिस सेन, आपका जजमेंट गलत है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करो, आप मोदी से भीख मत मांगो, आप कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।